सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। फतेहाबाद के भूना फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फ्लाईओवर पर ट्रक में घुसी कार, तो हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर बहुत जबरदस्त थी और इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिरसा से दिल्ली आ रहा था परिवार और इस दौरान यह हादसा हुआ भूना फ्लाईओवर पर। फतेहाबाद के भूना फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये ट्रक और इस कार की टक्कर हुई है, जोरदार टक्कर हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फ्लाईओवर ट्रक में कार घुसी और कार का जो आगे का बोनट है वो किस तरीके से दबा हुआ है, पिचका हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सिरसा से दिल्ली जा रहा था ये परिवार, फतेहाबाद के भूना फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई। फ्लाईओवर पर ट्रक में ये कार जा घुसी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जितेंद्र मोंगा संवाददाता हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हैं। जितेंद्र, देखिए ये बड़ा भीषण हादसा यहां पर हुआ है, एक महिला की भी मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और पूरे मामले की जानकारी चाहूंगी। घायलों की हालत जो है वो ठीक बनी हुई है और फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सिरसा के एक डॉक्टर की फैमिली दिल्ली जा रही थी और दिल्ली से इन्होंने वैष्णो देवी के लिए रवाना होना था। इसी दौरान फतेहाबाद का जो भूना बाईपास है, फ्लाईओवर है, वहां पे सड़क हादसा हुआ और जो कार है वो ट्रक में जा घुसी और इसके बाद एक महिला जो ममता चौधरी महिला है उसकी मौत जो है वो बताई जा रही है। मौके पर इसकी मौत हो गई थी और सिरसा के एक डॉक्टर की पुत्र वधु ये बताई गई है। और इसके साथ इसकी बहन शालू और इसकी बेटी जो मन्नत है वो दोनों गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। जी जितेंद्र, फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि जो ये गाड़ी है इसकी नंबर प्लेट येलो है, क्या ये गाड़ी जो है ये रेंट पर की गई थी या उनकी पर्सनल कार थी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, ये गाड़ी रेंट पर ली गई थी और इन्होंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ के वैष्णो देवी के लिए माता के दर्शन के लिए रवाना होना था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है और इस टक्कर के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो घायल है वो उनकी स्थिति फिलहाल अभी काबू में है।